गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फ्रॉम आर्टिस्ट पब्लिक स्कूल। टुडे प्रेजेंटेशन क्लास 3 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 18 पिक्टोग्राफ। तो इससे पिछले भी पिक्टोग्राफ में हमने समझाया था, आज फिर उससे कुछ आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे हमने कुछ फिगर ड्रॉ किया है, जैसे एप्पल, एप्पल का ये फिगर कितना है 6, मैंगो कितना फिगर है 4, ठीक है, बनाना कितना फिगर है तो 8, फिर पाइनएप्पल कितना फिगर है 1, गावा कितना फिगर है 5, फिर कितना फिगर है 4, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ फिगर ड्रॉ किया है, कौन सा फ्रूट्स कितना है। अब इसी से रिलेटेड कुछ नीचे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में कि हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स डिड ही वेंडर बाय, मतलब वेंडर द्वारा कितने प्रकार के फल खरीदे गए, ठीक है। तो कितने प्रकार के, एक एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, गावा हो गया, ठीक है, फिर पी हो गया। तो कितने हो गए बच्चों 6, हां कितने हो गए 6, इसका आंसर 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद विच फ्रूट्स डिड ही बाउ इन लिस्ट नंबर, सबसे कम फ्रूट जो है वो कौन सा खरीदा गया, तो पाइनएप्पल सिर्फ 1 ही है, इतना है। तो यहाँ पे पूछता है कि विच फ्रूट्स डिड ही बाउ इन लिस्ट नंबर, कौन ऐसा फ्रूट्स है जो सबसे कम खरीदा गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा वो पाइनएप्पल, ठीक है। फ्रूट्स का नेम डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बनाना डिड द वेंडर बाय, मतलब वेंडर द्वारा बनाना कितना खरीदा गया, तो कितना खरीदा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हाउ मेनी गावा डिड ही बाय, गावा ठीक है, गावा कितना खरीदा गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी मोर एप्पल्स डिड ही बाउ देन द मैंगो, मतलब कह रहा है कि एप्पल जो है वो कितना अधिक खरीदा गया किससे, मैंगो से। तो एप्पल कितना खरीदा जाता है 6, और मैंगो कितना खरीदा जाता है 4, तो कितना अधिक खरीदा गया है एप्पल से मैंगो, तो 2 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे इसको 2, ठीक है। अब क्वेश्चन में है लास्ट में कि हाउ मेनी फ्रूट्स डिड ही बाउट इन ऑल, टोटल फ्रूट जो है वो कितना खड़ा गया, तो सबको काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, कितना हो गया 28। या तो सबके सामने आप ये लिख दीजिए, जैसे ये 6 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 4 हो गया, सबको ऐड कर देंगे तो 6, 4, 10, 18, 18, 19, 5, 24, 24, और 4, 28, टोटल कितना आ रहा है 28 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिगर दिया रहेगा और नीचे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, तो आप इसी में इस क्वेश्चन का तो फिगर को देख के आंसर दे सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक आ जाता है कि अगर मान लीजिए कि 1 फिगर यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है, कि 1 फिगर रिप्रेजेंट थ्री फ्रूट्स, ठीक है। अब ध्यान देंगे हमने ऊपर लिख दिया कि 1 फिगर जो है वो कितने फिगर, मतलब कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को कर रहा है, मतलब ये जैसे एक एप्पल हो गया, एक एप्पल का फिगर जो हो गया वो 3 एप्पल के फिगर को मतलब रिप्रेजेंट करेगा, तो नंबर ऑफ एप्पल्स कितना आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18 हो जाएगा, क्योंकि जब नंबर ऑफ 18 एप्पल्स दिया गया है तो 18 पिक्चर ग्रो करना थोड़ा टफ होता है, बहुत सारा स्पेस जाएगा, इसके ऊपर इस तरह से हम लिख देते हैं, ठीक है। जैसे
वन फिगर जो हो गया कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, थ्री को, तो वन टू थ्री फोर, इसमें कितना होगा, फोर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री से, ट्वेल्व हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो ये आपका पिक्टोग्राम में इसी तरह से फिगर दिया जाएगा और इस तरह से नीचे रिलेटेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप पीछे में दे सकते हैं इसका आंसर। जैसे कुछ अब आगे के नया चीज सीखते हैं, इसी का बात है कलेक्टिव डाटा यूजिंग टैली मार्क्स। टैली मार्क्स का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये एग्जाम में लिख दिया टीएम का नाम, इसमें नंबर ऑफ बॉयज और इधर जो हो गया वो टैली मार्क। टैली मार्क से हम कैसे ये करेंगे, इसे गेम गेम में हो गया क्रिकेट, तो क्रिकेट जो है वो एक, उसके बाद हॉकी, हॉकी जो हो गया वो कितना कितने बच्चे खेलते हैं, फाइव, उसके बाद है फुटबॉल, सेवन, बैडमिंटन फोर, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। क्रिकेट जो है वो कितना बच्चा खेलता है, एक, कितने बार खेलना पसंद करते हैं, एक बार। हॉकी कितने बार खेलना पसंद करते हैं, फाइव, फुटबॉल सेवन, चेस सिक्स, बैडमिंटन फोर। इसको हम टैली मार्क्स में कैसे रिप्रेजेंट करें, So, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे एक है तो यहाँ पे हम वन टू थ्री फोर, ये फोर लाइन खींचेंगे और इसको जो है इस तरीके से ये क्रॉस कर देंगे, तो ये फाइव को रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा फाइव, फाइव सिक्स सेवन एट। फिर इसमें क्या है, फाइव, वन टू थ्री फोर, फोर लाइन खींचेंगे और फाइव में क्या करेंगे, इसको इस तरह से इसको ठीक है क्रॉस करते। फुटबॉल सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, चेस सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बैडमिंटन फोर, वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो टोटल कितना होंगे, चाहे सबको ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर वाइज पता चल जाएगा कितने बच्चे खेलना पसंद कर रहे हैं, डिफरेंस सबका। तो ये कलेक्शन डाटा आपका यूजिंग द टैली मार्क्स के थ्रू, ठीक है, इस तरह से इसको हम ये बनाएंगे। तो आज का जो आपका एक्सरसाइज है होमवर्क के रूप में, ठीक है, वो एक्सरसाइज 68, इसको सॉल्व करना है और हमें सेव करना है, ठीक है, एक्सरसाइज 68। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे।